हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और भाई हम लोग नहा के अपने रूम से बाहर आ चुके हैं, बस अब पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। जल्दी से निकलेंगे खाटू श्याम जी के लिए, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया, 8:30-9 बज गया, सोते रह गए हम, पता ही नहीं लगा। आ जाना। तो बस मम्मी पापा भी आ रहे हैं, हम लोग गाड़ी में पहुँच के बैग वैग रखते हैं, सामान रखते हैं। मौसम तो बहुत प्यारा हो रहा है भाई यहाँ का, ठीक है। तो बस अभी क्या कर रहा है, आ जा, ये भी नहा लिया भाई, हमारी आँखें ऐसी सूज रही है ना, सो के हम अब उठे इतना लेट। बाकी अब निकलते हैं, ठीक है, चलो रखते हैं सामान गाड़ी में, सामान तो उठा लेकर। भाई ये सुबह सुबह का मौसम है यहाँ का, देखो कितना प्यारा वेदर हो रहा है ना। मार्केट ये है और काफ़ी यहाँ पे जाम है, और मतलब यहाँ से आगे अभी गाड़ी आना अलाउ नहीं है। वो तो हम ले आए थे, होटल वाले भाई ने हमारे करा दिया था जुगाड़। और ये देखो राजा भाई बैठे हैं हमारे, देख रहे हो इनकी स्माइल, इनके स्माइल पे लोग फिदा हैं। अंकल जी की स्माइल भी देख रहे हो बराबर में से, ये। तो भाई अभी हम लोग बस निकल रहे हैं, और पहले अभी जाएंगे बस बाबा के आगे हाथ जोड़ के दर्शन करके, मतलब बाहर से ही, और फिर आराम से निकलते हैं, ठीक है राजा भाई। चले पहले मम्मी पापा गए क्योंकि यहाँ भीड़ है, तो फिर वो आ जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे अभी हाथ जोड़ के बाबा का आशीर्वाद लेके चलते हैं, और खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराते हैं आपको। सो भाई हम लोग माथा टेक के आ गए सब लोग, बस अब निकल रहे हैं, तो चलते हैं, लेते हैं भगवान का नाम। जय हो बालाजी महाराज की जय। चलो जी भाई अभी हम निकल चुके हैं खाटू श्याम के लिए, और हमें डिस्टेंस पता था कि यहाँ से 100 किलोमीटर है, बट लेकिन अभी चेक किया है गूगल पे तो समथिंग 200 किलोमीटर आ रहा है, 198। हम लोग कभी गए नहीं और पहली बार हम जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है क्या है सब मामला, ठीक है चलो चलते हैं। तू क्यों मुस्कुरा रहा है? मैं अब मैप खोल के देखा, 200 किलोमीटर है तो कोई बात नहीं भाई, चल रहा है, बारिश भी स्टार्ट हो गई, मौसम अच्छा हो ही रहा है, चलो। Jab a black and white and I'm caught up in the first night, now it doesn't feel right, I'll just have to say goodbye one last time. तो भाई हम लोग खाटू श्याम पहुंचने वाले हैं, खाटू श्याम यहाँ से 64। और भाई वेदर इतना मस्त हो रहा है, चाय पी रहे हैं कुल्लड़ वाली, ये देखो राजा भाई पहुंच गए भाई, पार्किंग में लगाएंगे गाड़ी पहले। अपन ने गाड़ी वाड़ी खड़ी कर दी है, अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ। पता नहीं हमें कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, कोई बोल रहा है 2 किलोमीटर, कोई बोल रहा है 1 किलोमीटर, बट कोई चार वाले तो खैर पागल ही हैं, छोड़ो उन्हें, अभी चलेंगे देखेंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है चलते हैं भाई। अपन पहुँच लिए, जय श्री श्याम, ठीक है। अब यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ होगी, तमाम भीड़ ही भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है, सब जगह भीड़ ही भीड़ है। चलो जी चलते हैं अंदर, हम यहाँ से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, उसके बाद दर्शन होंगे, और इस भीड़ को देखते हुए पता नहीं दर्शन कैसे होंगे, क्या होगा ये कुछ नहीं कह सकते अभी भाई। कंफ्यूजन हो गया था, ये जो गेट है ना ये वाला, इसके अपोजिट साइड हमें जाना है यात्रा के लिए, इसके अंदर से हम लोग निकल के आते हैं, ठीक है। मैं आगे का रास्ता दिखाता हूँ किधर से जाना है, अभी हम उल्टे जा रहे थे वो भाई। अभी जो मैंने आपको गेट दिखाया वो बाबा श्याम का जो गेट था, वो वहाँ से ना ऑटो भी जाते हैं मंदिर के लिए, यहाँ से 2 किलोमीटर है, अपनी अपनी इच्छा है, पैदल भी जा सकते हो, ऑटो में भी जा सकते हो, हमें तो एक गौरी दीदी की वजह से ऑटो में जाना पड़ रहा है, इसे बहुत भूख लग रही है और काफ़ी टाइम हो गया कुछ खाया भी नहीं है, पहले प्रसाद चढ़ा दे उसके बाद खाएंगे। ये देखो दीदी हमारी ये बैठी है दीदी। तो भाई बस अभी हमने ऑटो किया है, और ऑटो वाले ज़्यादा नहीं 150 से 200 रुपये लेते हैं वहाँ पहुँचा देंगे, ठीक है चलते हैं करते हैं दर्शन। ये यहाँ पे बहुत सारी शॉप है, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हो एंड यहीं पे शूज़ उतार सकते हो, ठीक है। बाकी हमने प्रसाद ले लिया एंड शूज़ उतार दिया, अब आगे चलते हैं बस मंदिर में, देखते हैं कितनी भीड़ है क्या है कैसे। ये देखो भाई मंदिर ही हो रहा, और लाइन इतनी तगड़ी चल रही है, अब पता नहीं कहाँ से लगा जाएगा, अभी देखते हैं लाइन कहाँ से, ठीक है चलो गौरी दीदी।
मेरे लिए थैंक यू भाई। यार रोज का बड़ा सीन है, अभी पूछूंगा कि रोज वो मतलब ऐसा क्यों, रोज तो छोरी को देख रहे हैं, गर्ल्स को देता है गर्ल्स को। बहुत ज्यादा भीड़ है इधर भी, बहुत ज्यादा। भाई तवा भीड़ भाई, अभी हम देख रहे सोच रहे उसकी कितनी तेज हवा सब हिल रहा है, पर लेकिन पता लगा साइड में कूलर है यार। भाई प्रसाद की शॉप इधर है, अगर तुम मतलब बाहर चलाना भूल जाओ तो इधर से प्रसाद ले सकते हो लाइन में लग के। लो जी भाई कर लो दोस्तों, बाकी अभी अंदर चल रहे हैं, आगे हाथ हो गए। देखो यार भीड़ फिर भी काफी है, बहुत ज्यादा भीड़ है बहुत। तो भाई देखो ये गार्ड वाली जो दीदी है ना, ये रेड रोज सबसे छीन रही है, इनके ले लो आते हो तुम, रेड रोज चढ़ता ही नहीं है, ये ले लेते हैं। तो भाई बस पहुंचने वाले हम मंदिर, दर्शन करने वाले हैं बस बाबा के, देखता हूँ पॉसिबल होता है तो दिखा पाऊंगा। लो जी भाई इधर मंदिर, ये है बाबा का मंदिर, अभी दिखाते हैं। बाबा के दर्शन कराता हूँ भाई तुमको भी। भाई आज जो ये है यहाँ की मार्केट, भाई हम लोग यहाँ पे 1 बजे पहुंचे थे और अभी हो रहे हैं भाई कितने, 3:10, हमारे दर्शन वगैरह सब हो गए। बस अभी हम लोग कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे सीधा यहाँ से कहाँ के लिए, मथुरा स्टे करेंगे या फिर हम करेंगे आगरा, अभी कुछ कह नहीं सकते, जहाँ मतलब टाइमली पहुंच जाएंगे वहाँ। बाकी पहले खाना खाते हैं, ठीक है भाई। भाई ये पनीर भजी है और ये दाल फ्राई है और ये रोटी है, यहाँ पे ऐसी रोटी मिल रही है, ठीक है राजा भाई। कैसी है टेस्ट, कैसा है, हैं काम चलाओ काम चलाओ। तो भाई अभी यहाँ से निकल रहे हैं, अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, फोटो वगैरह क्लिक हो गए, खाना वाना सब हो गया, बस थोड़ी सी दूर यहाँ से आधा किलोमीटर दूर हमारी पार्किंग है, उधर पहुँचते फिर निकलते हैं। भाई हम लोग निकले थे खाटू श्याम जी से और हमारी गाड़ी में हो गया पिंचर, कील घुसी हुई निकली इसके अंदर, सो अभी पिंचर लग रहा है, उसके बाद निकलते हैं हम। सो भाई हमारी गाड़ी अभी ठीक हो चुकी है, बट लेकिन हमको यार अभी बहुत लंबा ट्रैवल करना है, यहाँ से 335 किलोमीटर है आगरा, तो हम सोच रहे हैं कि आगरा जाके आज स्टे करें आगरा, या फिर देखो टाइमली पहुँच जाएंगे तो आगरा जाएंगे, वरना उससे पहले कहीं स्टे करेंगे और क्यों क्यों ड्राइवर साहब। हाँ जी, तो भाई हमारे दर्शन वगैरह तो बढ़िया हो गए थे, बाकी गाइस कैसा लगा आपको दर्शन करके, बढ़िया लगा भाई, बढ़िया एकदम सही है, इतने लंबे सफर पर पहली बार देखे। हाँ यार हम तो यहाँ पे तो पहली बार आए हैं इधर, क्या कहते हैं खाटू श्याम, पहली बार दर्शन करे हमने बाबा के, बढ़िया था। और मुश्किल से आधा पौन घंटा लगा, भले ही कितनी भी भीड़ थी, आधे पौन घंटे में हमारे दर्शन हो गए, व्यवस्था अच्छी थी। हाँ व्यवस्था अच्छी है वहाँ की। और दूसरा मतलब एक चीज है कि एक तो भाई तुम फूल वूल तो लेना मत क्योंकि वो चढ़ते हैं नहीं वहाँ पे, मैंने तुम्हें दिखाया था वो लड़की गार्ड थी वो जो भी थी वो ले रही थी सबसे फूल, तो फूल लेना तो वेस्ट है, पैसे बेकार ही आपके। बाकी चढ़ता तो मेरे प्रसाद भी नहीं वहाँ पे, प्रसाद भी नहीं चढ़ता भाई वहाँ पे, रखते हैं साइड, बस ऐसे ही साइड में रख दो अपने उस हिसाब से, चढ़ता प्रसाद भी नहीं है, है ना, बॉक्सेस बने हुए हैं उसी में फूल रख सकते हो, उसी में तुम प्रसाद रख सकते हो। चलते चलते ही दर्शन होते हैं बाबा जी के, ग्रिल में चलते चलते दर्शन हो जाएंगे बाबा के आपको। और भाई भीड़ तो वहाँ रहती है, आप लोगों को पता ही है तगड़ी भीड़ रहती है, बढ़िया है दर्शन करें मजा आए, है गौरी दीदी। और सबसे यूनिक चीज़ वहाँ का पंखा,
सबसे यूनिक वहाँ का पंखा, पंखा बहुत बड़ा पहली बार देखा इतना बड़ा पंखा। हवा अच्छी खासी आ रही थी उससे पंखे से, हेलीकॉप्टर की पंखड़ियां लगा दी थी वही कह रहे हेलीकॉप्टर की पंखड़ियां बढ़िया था। आओ तुम भी करो दर्शन बाबा। सही है, अभी तो हम पहुंच रहे हैं वहाँ, क्या कहते हैं हम लोग स्टे करेंगे मथुरा पहुंचेंगे या फिर आगरा, आगरा। अभी कुछ कह नहीं सकते यार, अभी भी यहाँ से है 200 किलोमीटर है अभी भी, हम काफी निकल आए वहाँ से तो चलते हैं। चाय पी लो आप भी, हम लोग रुके हैं अभी कहाँ पे, आगरा आगरा और उस वाले जयपुर हाईवे पे चाय पीने के लिए रुके हैं 350 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद। ओके ले लो आप भी चाय की चुस्की, चाय अच्छी लग रही है, ये तो ले रहा है हर इंसान भाई। इसने आज बहुत ड्राइव किया, आज कम से कम इसने 150 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और बढ़िया चलाने लग गया अब तो खैर। तो भाई बस अभी यहाँ से समथिंग 150 किलोमीटर आगरा रह गया, तो सोच रहे सीधा वहीं पर रुकेंगे, चाय पी लें, माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर उसके बाद निकलते हैं। ठीक है, आपको कल मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में ताज के दर्शन कराएंगे, ताज महल की रजिस्ट्री कराने जा रहा हूँ मैं कल। हाँ भाई देख रहे हो आजकल इनके बड़े बड़े वो हो रहे हैं। और हाँ एक पता है क्या, आज मैं कहता हूँ खाटू श्याम पहुँच के कि मैं यहाँ पे नया व्यापार शुरू करने वाला हूँ। एक तो उसका जो भाई फूल बेचते हैं ना खड़े हो गए, तो कह रहा भाई ये भी आराम से फूल बेच ले बहुत तगड़े। और दूसरा व्यापार क्या, वहाँ पे मिनी मेट्रो चलते हैं ना, वो मतलब 300-400 रुपए ले भाई मंदिर तक पहुँचाने के, एक किलोमीटर। कह रहा मैं तो यहाँ पे 10-12 मिनी मेट्रो छोड़ूंगा चलाने के लिए, कह रहा एक मैं खुद चलाऊंगा। एक भाई चलाएंगे मैं, भाई मैं तो नहीं चलाऊंगा क्योंकि मैं तो ऐसी सही हूँ जैसे भी हूँ। ठीक है भाई, तो बस निकलते हैं अभी, मिलते हैं आपसे आगरा में। अब भाई सो हम लोग आगरा पहुंच चुके हैं और हमारी गोरी दीदी उठ चुकी है क्योंकि रास्ते में सोती आई है पूरे रास्ते, है ना। तो भाई आज बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि आज हमने 600 किलोमीटर ड्राइव किए, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अभी हम यहाँ पे 11 बजे पहुंच चुके हैं आगरा और हमने रूम ले लिया इधर ही, यहाँ से 200 मीटर दूर ताजमहल है। सुबह को आपको मतलब नेक्स्ट व्लॉग में ताजमहल दिखाएंगे, है गोरी दीदी इसने देखा नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा मन था और तुम्हें भी दिखाएंगे। तो अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।